डायग्नो लैब्स द्वारा ड्यूटी से कर्मचारियों को निकाले जाने से नाराज कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डायग्नो लैब्स कर्मचारी मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि गोरखपुर के सभी कर्मचारियों को 1.5 महीने की सैलरी नहीं दी गई है और 12 बजे रात में कंपनी के HR द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। उसके पहले सभी कर्मचारियों को रिजाइन के लिए प्रेशराइज किया जाता था। टर्मिनेशन के बाद भी HR द्वारा कॉल आ रहा है कि आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए। जब पेमेंट की बात की जाती है तो बताया गया कि 60 से 70 दिन के बाद ही पेमेंट होगा। नियम के अनुसार टर्मिनेशन के बाद तुरंत ही सैलरी आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डायग्नो लैब्स कर्मचारी मिथिलेश मिश्रा ने कहा, मिथिलेश मिश्रा लिमिटेड एक RJO कॉरपोरेशन का पार्ट है और इन्होंने 1.5 महीने की सैलरी अभी तक दी नहीं है और टर्मिनेट कर दिया है रात को 12 बजे सभी लोगों को, और पूरे इंडिया में 350 से 400 लोगों को टर्मिनेट किया है। उसके पहले सभी को प्रेशराइज कर रहे थे कि सब लोग रिज़ाइन करें, पर टर्मिनेशन के बाद भी HR कॉल करके सबको बोल रहे हैं कि आप लोग रिज़ाइन कर दीजिए ताकि आप लोगों के FNF हो जाएं। और जब पेमेंट के लिए बात करने जा रहे हैं तो उन लोगों का ये जवाब रहता है कि 60 से 70 दिन बाद पेमेंट होगा, तो लेबर एक्ट के थ्रू तो जैसा है उस हिसाब से तो टर्मिनेट करने के दिन शाम को ही आपको सैलरी रिलीज करनी चाहिए, बट कोई कर ही नहीं रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सपोर्ट अस। अभी आपने DM साहब को ज्ञापन दिया है? जी, DM सर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने HR हेड कनिका विग और प्रेरणा सिंधी असिस्टेंट मैनेजर हैं जो HR की, दोनों को कॉल ट्राई किया बट दोनों में से किसी ने भी फ़ोन पिक नहीं किया है। जब एक IAS अधिकारी के कॉल को वो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के कॉल के साथ क्या होता होगा। क्या मांग करते हैं? सैलरी एटलीस्ट हम लोगों की रिलीज़ हो जाए। अप्रॉक्स 1.5 महीने से हम लोग 1 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, 1 महीना वर्किंग की हुई है, घर कैसे सर्वाइव करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग।